बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सनामिर, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ वाइट पुलाव। इसके लिए हमने जो चीज़ें ली हैं, बीफ लिया है हमने यहाँ पे 1/2 kg। इसके अलावा हमने प्याज लिए, एक स्मॉल साइज़ की प्याज, उसको बड़ा बड़ा कट करके रखा हुआ है। यहाँ पे हमने लिए तेज़पत्ते 2 से 3, अदरक लिए 1 इंच का टुकड़ा 2 से 3, यहाँ पर हमने टुकड़े लेकर रखे हुए। इसके अलावा यहाँ पर हमें गर्म मसाला चाहिए, यहाँ पर हमने 2 से 3 यहाँ पर ली हुई है सिनेमन स्टिक्स। इसके अलावा हमें काली बड़ी इलायची चाहिए 3, हरी इलायची चाहिए हमें 2, यहाँ पर हमने लिया है लाल वाली सूखी हरी मिर्चें, जो सूख जाती है फिर वो रेड हो जाती है मिर्चें, वो वाली। इसके अलावा लहसुन के जवे लिए हमने 10 से 12, नमक लिया हमने 1 टीस्पून, बादियान का फूल लिया 1, काली मिर्चें लिए हमने 10 से 12, लौंगे लिए हमने 10 से 12। इसके अलावा हमने यहाँ पर लिया है साबुत धनिया लिया हमने 1.5 टेबल स्पून। इसके अलावा हमने सौंफ लिए 1.5 टेबल स्पून। अब सबसे पहले एक पॉट लेंगे, उसमें बीफ डालेंगे, नमक ऐड करेंगे, सौंफ डालेंगे, गरम मसाला ऐड करेंगे, साबुत धनिया ऐड करेंगे। लहसुन सूखी लाल मिर्ची डालेंगे, अदरक तेज पत्ता डालेंगे, प्याज डालेंगे और पानी ऐड करेंगे इसमें तकरीबन 4 गिलास के करीब। हमने इसमें पानी ऐड किया है। अब इसको उबाल आने तक तेज़ आंच पर पकाएंगे। यखनी में उबाल आना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर कवर करके गोश्त गलने तक पकाएंगे। ये देखिए यखनी तैयार हो गई और गोश्त अच्छे से गल गया है। अब हम यखनी को छान लेंगे और गोश्त की बोटियों को अलग करके रख देंगे साइड में। यखनी हमने छान कर रख ली है यहाँ पर ये, और बोटियाँ हमने यहाँ पर अलग करके रख ली हैं। इसके अलावा हमने 3 कप चावल लिए हैं, इनको वॉश करके और भिगो कर रख दिया था। एक बड़े साइज़ की हमने यहाँ पर हरी मिर्च लेंगे। इसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे 2 टेबल स्पून, और यहाँ पर हम लेंगे काला ज़ीरा लेंगे 1/2 टीस्पून। इसके अलावा जायफल, जावित्री और 3 हरी इलायची हमने थोड़ी थोड़ी लेकर इनको पीस कर यहाँ पर रखा हुआ है। इसके अलावा नमक लेंगे हसबे ज़रूरत, और यहाँ पे हमने लौंगे लिए 6 से 7, एक बड़े साइज़ की हमने प्याज ब्राउन करके रखी हुई है। इसके अलावा हमें दही चाहिए 1 कप। इसके अलावा हमें केवड़ा वाटर चाहिए थोड़ा सा, और हमें सिरका चाहिए 1 टेबल स्पून के करीब। सबसे पहले एक बड़ा बर्तन लेंगे और उसमें घी लेंगे, हम 1 कप के करीब घी डालेंगे, इसे गरम करेंगे। घी गरम हो गया, अब हम इसमें लौंगे डालेंगे, काला ज़ीरा डालेंगे 2 टेबल स्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, और गोश्त ऐड कर देंगे इसके अंदर, नमक ऐड करेंगे, दही डालेंगे, और जो हमने हरी इलायची और जायफल जावित्री को जो पीस कर रखा था वो ऐड करेंगे इसमें। हरी मिर्च को लंबा लंबा कट करके डाल देंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए। दही का पानी खुश्क होना स्टार्ट हो गया। अब हम इसमें थोड़ी सी तली हुई प्याज ऐड करेंगे जो हमने लाइट ब्राउन करके रखी हुई थी। अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे, और यखनी ऐड कर देंगे, यखनी हमने ऐड कर दिए। अब हम इसे तेज आंच पर यखनी का पानी कम होने तक इसको पकाएंगे, फिर दम पर लगाएंगे। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून के करीब सिरका ऐड कर देंगे। यखनी का पानी कम हो गया है, अब बस हम इसे दम पर लगाएंगे 10 से 12 मिनट के लिए। कवर करके पकाएंगे इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर। 12 मिनट हो चुके हैं,
अब हम इसमें केवड़ा वाटर डालेंगे और 10 मिनट के लिए इसको दोबारा कवर कर देंगे। ये देखिए 8 मिनट हो गए, बस हम अब आपको पुलाव डिश आउट करके दिखाते हैं। ये रेडी हो गया है, ये देखिए हमारा मज़ेदार सा बीफ वाइट पुलाव रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी मम्मी की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। खुदा हाफिज़।